फतेहपुर जिले में आज देश व समाज को अपराध मुक्त बनाने व जेल में बंद पूरी सजा काट चुके कैदियों की सहायता करने में महती भूमिका निभाने वाले अपराधी निरोधक समिति के सदस्यों को अंगवस्त्र पहनाकर व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये समिति अपराधों से लोगों को दूर रखने के प्रयास के तहत 30 वर्षों से काम कर रही है। कारागार का निरीक्षण कर कैदियों का कानूनी व अन्य मानवीय सहायता भी प्रदान करने का भी काम करती रहती है, जिसके लिए समय समय पर जेल का भ्रमण कर निरीक्षण करती रहती है। जेल का निरीक्षण करने के लिए मैं हर महीने जाता हूँ, ये लगभग 30 वर्षों से चल रहा है। और जेल में जो कैदी होते हैं वो जिनकी सज़ा पूरी हो जाती है और उनके पास उनके जुर्माना उनके रहता है वो अदा नहीं कर पाते तो जेल में बंद रहते हैं, जिनकी हम लोग जमा करके और उनको छोड़ा देते हैं। इसी तरह हर महीने हम लोग फल वितरण करते हैं, जेल में जाकर वृक्षारोपण करते हैं और बच्चों को जो कैदी महिला कैदी हैं उनके बच्चों को हम लोग कपड़े फल वगैरह वितरित करते हैं और हर वर्ष जाड़ों में कंबल वितरित किया जाता है और इसी तरह सारे कार्य। अपराध निरोधक समिति का आज क्या कार्यक्रम हुआ? अपराध निरोधक समिति का आज जो है जितने हमारे मेंबर थे उन मेंबरों को का स्वागत किया गया और उनको प्रतीक चिन्ह दिया गया, उनको अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत किया। आपका परिचय? मुझे विपिन बिहारी शरण कहते हैं, मैं सचिव जेल पर्यवेक्षक हूँ। कलह होते हैं, पति पत्नी में कलह होता है, बाप बेटे में होता है, इन कलहों को समाप्त करने के लिए अपराध निरोधक समिति उन पर भी ध्यान देती है कि ऐसी कोई स्थिति न बिगड़ने पावे जिससे उनका एक विभत्स रूप आ जाए। अब तक ऐसे कितने कार्य कर चुकी है ऐसे कार्य? एक तो ऐसा कार्य हुआ है कि जिसको पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया गोपनीय ढंग से, अपराध निरोधक समिति को मालूम होगा तो उस पर तुरंत जो है जिलाधिकारी से मिल करके उसको किया गया और महिलाओं ने पूरी उसकी सहायता किया। उस थी ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि पुनः पति ने पत्नी को रखा, उसके बाद उसके लड़का पैदा हुआ, आज वो लड़का जो है पूरे परिवार में रोशनी फैला रहा है। आज का आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा सिंह है, मैं अपराध निरोधक समिति का सदस्य हूँ।